अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट चने वाले चावल। और ये मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज कुछ और बनाना था, लेकिन मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है गांव में और वहाँ मुझे लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ से ही कुछ बना के ले जाती हूँ। तो ये प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए और उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद ही उसमें बाकी सामान डालते हैं, मतलब लहसुन वगैरह। 2 चम्मच भर के इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट इकट्ठा ही बना के रख लेती हूँ क्योंकि कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, तो जब भी काम करना हो एमरजेंसी में हर चीज़ कंप्लीट हो। और इसके बाद हम इसमें ये 2 बड़े वाले टमाटर काटे थे वो ऐड कर रही हूँ, और ये कुछ हर्ब्स हैं, बड़ी इलायची हैं, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, और ये है लौंग, और ये सब हम अभी डालेंगे ताकि फ्राई भी हो जाए और इसकी खुशबू भी मेंटेन। और इसके बाद हम 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भुनेंगे और बाकी स्पाइसेस हम बाद में डालेंगे। जी अब हम इसमें, अच्छा मैं ज़्यादा ना ये वाली मिर्च, दलिया मिर्च से कहते हैं, ये यूज़ करती हूँ हर खाने में, ये यूज़ करती हूँ या तो ब्लैक पेपर या फिर ये, क्योंकि मुझे है स्टोमक का मसला तो मैं ज़्यादा मिर्च यूज़ नहीं करती, स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो ये मतलब खालिस ही लगती है। आप पाउडर में तो पता नहीं, आप कहते हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं आ रही, मिलावट वाली चीज़ें होती हैं, तो इसमें कुछ अगर हो भी तो पता चल जाता है कि इसमें कुछ मिलावट की है या नहीं की है। तो अब इसके बाद हम इसमें हल्दी नमक वगैरह शामिल करते हैं और 2 चम्मच भर के हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब ये वाइट चने जो मैंने पहले से भिगो के रखे थे, सॉरी मैंने बॉयल किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम ज़रा भी नहीं है, मुझे जल्दी ही, मैंने इसलिए इन्हें बॉयल कर लिया पहले से ही, तो इन्हें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 मिनट के लिए ताकि इसमें जो सारे स्पाइसेस हैं इसमें चले जाएं, और फिर इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो चावल हमारे थे 3 गिलास और इसमें पानी हम 5 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चावल मैंने पहले भी भिगो के रखे हुए हैं। पानी डालने के बाद अब हम उबाल आने तक इसे ढक के रख देते हैं, जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम चावल वॉश कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पानी में बॉयल आ रहा है, इसके बाद हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल हमने इसमें डाल दिए, अब इसे हम ढक देते हैं। किचन मेरा बहुत ही छोटा है तो समझ ही नहीं आती चीज़ों की कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी। तो अब पानी तकरीबन सूख चुका है, अब हम इसे दम पे लगा देते हैं। हमने इस पे दम लगा दिया है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, अब हम देख लेते हैं चावलों को दम हटा के। तो माशाल्लाह चावल बहुत ही अच्छे बने हैं। गैस बंद कर देते हैं और चम्मच हिला देते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे चावल खुशबूदार बन गए हैं, आसान सी रेसिपी के साथ मज़ेदार से चावल। और ये थी
देखिए आज की मेरी आसान वाइट चना चावल की रेसिपी, तो बताइएगा आपको कैसी लगी और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।